जनता दल यूनाइटेड हैज आस्क्ड थ्री मिनिस्टर्स इन बिहार कैबिनेट टू रिजाइन फ्रॉम देयर पोस्ट फॉर एंटी पार्टी एक्टिविटीज. द मिनिस्टर्स आर नोन फॉर एंटी नीतीश स्टांस. जेडीयू हैज रिपोर्टेडली आस्क्ड नरेंद्र सिंह, रिशन पटेल एंड नीतीश मिश्रा टू क्विट द कैबिनेट. The ministers openly supported Jitin Ram Manjhi as the chief minister amid speculation that he could be removed from the chief minister's post. The ministers also wanted to project Manjhi as the next chief minister ahead of assembly elections in the state. Rebel ministers said only Manjhi can save the party's defeat in the state in view of the Modi wave, and projecting somebody else as the chief ministerial candidate could prove suicidal for the party. See, I'm not demanding, I'm asking him to resign. I'm asking him to resign and leave the party. They were so much interested in creating the confusion within the party. Because when the line has been drawn by the party, there should be no one who should try to dare to cross that line. And if anybody dares to do so, he better leave the government and better leave the party and move to the party they wish to be in. I mean, we have all the good wishes for them. You know the names, it's very well, Mr. Narendra Singh, Mr. Nitish Mishra, Mr. Rishan Patel. You very well know the names, I have very much spoken about them. On the other hand, the ministers have hit back, claiming that they were being targeted for backing Jitin Ram Manjhi. राष्ट्रीय अध्यक्ष से कल भी मेरी मुलाकात हुई थी और मुझको लगता है कि कोई ऐसी बात हम सरकार में है. स्वाभाविक रूप से माननीय जीतन राम मांझी जी मुख्यमंत्री हैं, जिनको नीतीश कुमार जी ने बनाया है और नीतीश कुमार जी के ही एजेंडे को वो लेके आगे चल रहे हैं. मैं उनके सरकार में एक सहयोगी मंत्री के नाते मैं काम कर रहा हूँ, तो स्वाभाविक रूप से सरकार के लिए मैं काम कर रहा हूं. लेकिन इस बीच में इस तरह के बयान एक प्रवक्ता, मुझको लगता है कहीं ना कहीं थोड़ी सी उनकी इमेच्योरिटी है, राजनीतिक अनुभव उनको उतना नहीं है. क्या बोलना चाहिए, जिस पद पर वो बैठे हैं, प्रवक्ता हैं, बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, ये कोई आकलन ही नहीं है कि किस व्यक्ति को किस पद पर बिठाया जाए. जो लोग कहीं दरबार में घूमे, चार दिन चापलूसी किए, उन लोगों को किसी पद पर बिठा दिया जाता है जो गैर जवाबदेह लोग हैं. और ये लड़के बच्चे हैं, इन राजनीति का ककहरा भी नहीं जानते. मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष से मैं बात करूंगा और मैं पूछूंगा कि इस तरह के लोगों को आपने पार्टी के गरिमा को गिराया है, इन लोगों को प्रवक्ता बना के. क्या आपकी राय है ये? अगर उनकी राय होगी, शरद यादव की और वशिष्ठ नारायण सिंह जी की या नीतीश बाबू की, तो फिर हम इस पर विचार करेंगे कि इस तरह की साजिश क्यों की जा रही है. लेकिन इस तरह से पार्टी के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है और पार्टी को नुकसान हो रहा है. दलित मुख्यमंत्री को प्रोजेक्ट करके और विलय के बाद ईमानदारी से नीतीश जी और लालू जी को, इन दोनों को कैंपेन करना पड़ेगा और तब जाके बीजेपी का जो अश्वेध यज्ञ का घोड़ा है वो लोग रोक पाएंगे, और नहीं तो इसकी संभावना छिन्न हो जाएगी.